आखिर अग्निपथ रिक्वायरमेंट योजना का विरोध क्यों किया जा रहा है? अग्निपथ स्कीम केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में शुरू हुआ प्रदर्शन अब उग्र रूप लेता जा रहा है। देश के 3 सेनाओं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती के लिए लाई गई केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना विवादों में घिर गई है। एक तरफ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि उसने बहुत शानदार योजना निकाली है, दूसरी तरफ इस योजना के खिलाफ युवा छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। बिहार में कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई हैं। अग्नि योजना के तहत सिर्फ 4 साल आर्मी में सेवा का मौका दिए जाने को लेकर युवाओं में भीषण गुस्सा देखा जा सकता है। बिहार के बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी अग्निवीर के खिलाफ यह प्रदर्शन तेजी से होता जा रहा है। अग्निपथ योजना के तहत सरकार का प्लान है कि सेनाओं में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती की जाए। कम उम्र के युवाओं को 4 साल की सेवा के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। भर्ती किए गए जवानों में सिर्फ 25% को सेना में रखा जाएगा। इसी को लेकर छात्रों का विरोध है। सरकार के दावों और युवाओं की मांग में कितना फर्क है, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। बिहार के जहानाबाद और छपरा समेत कई इलाकों में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है, सेना में जाने के लिए हम जीत और मेहनत करते हैं, ट्रेनिंग और छुट्टियों को मिला दे तो कोई सर्विस सिर्फ 4 साल की कैसी हो सकती है? सिर्फ 3 साल की ट्रेनिंग लेकर हम देश की रक्षा कैसे करेंगे? सरकार को यह योजना वापस लेनी ही पड़ेगी। पहली समस्या मैं आपको बता दूं कि 4 साल ही क्यों? प्रदर्शन कर रहे युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि सिर्फ 4 साल के लिए ही क्यों भर्ती की जा रही है। सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भी कम से कम 10 से 12 साल की सर्विस होती है और आंतरिक भर्तियों में उन सैनिकों को मौका भी मिल जाता है। अग्निपथ योजना में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि 4 साल के बाद भी 75% युवाओं को बाहर का रास्ता देखना ही पड़ेगा। जहानाबाद में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि सिर्फ 4 साल नौकरी करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, 4 साल की सर्विस के बाद तो हम बेघर हो जाएंगे। यही वजह है कि हमने सड़क जाम कर दी है। देश के नेताओं को अब पता चलेगा कि लोग जाग गए हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस योजना को तुरंत वापस लिया जाए। दूसरी समस्या मैं आपको बता दूं कि 4 साल के बाद छात्रों का भविष्य का क्या होगा। 4 साल की सेवा के बाद 75% युवाओं को रिटायर करने का कॉन्सेप्ट किसी के गले नहीं उतर रहा है। आर्मी से रिटायर और पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। युवाओं की चिंता है कि 4 साल के बाद में वे क्या करेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि 17.5 साल में अग्निवीर बनने वाले युवा के पास न तो कोई प्रोफेशनल डिग्री होगी और न ही कोई विशेष योग्यता, ऐसे में वह 2nd दर्जे की नौकरियां के लिए बाध्य होगा। सरकार का तर्क है कि अर्ध सैनिक बलों का अलावा राज्यों की नौकरी में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ साथ कई राज्यों ने इसके बारे में ऐलान भी कर दिया है, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि ये ऐसा होगा कि 4 साल की नौकरी के बाद हम फिर से नौकरी के लाइन में लगे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि क्या मांग है प्रदर्शनकारियों की। अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों की मांग बेहद स्पष्ट है। उनका कहना है कि इस योजना को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए। लंबे समय से सेनाओं में भर्ती न होने की वजह से परेशान छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द भर्ती की रैलियाँ आयोजित कराई जाएं और परीक्षाएं शुरू हो। इसके अलावा पुरानी लटकी भर्तियों को भी जल्द से जल्द क्लियर करने की मांग की जा रही है। एक छात्र ने कहा है कि सेनाओं में भर्ती के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाए जो पहले अपनाई जाती थी। प्रदर्शनकारियों ने कहा है टूर ऑफ ड्यूटी जैसी योजनाओं को वापस लेना ही होगा, वरना 4 साल तक कोई भी सेना की नौकरी करने नहीं जाएगा। प्रदर्शनकारी आर पार के मूड में है और उनका प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। बिहार के मुंगेर, जहानाबाद, छपरा और तमाम जिलों में प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बुलंदशहर और बरेली में भी प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसके अलावा राजस्थान और हरियाणा के भी प्रतियोगी छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। तो यही कारण था दोस्तों अग्निपथ योजना का विरोध का कारण। तो शायद आप समझ गए होंगे आखिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। क्या आप भी इंडियन आर्मी जैसे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसा ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए सत्यम फैक्ट रिसर्च यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर सेट कर लीजिए।